केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान सुजानपुर के सचूही में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि आपदा में भी प्रदेश कांग्रेस सरकार ने लोगों पर कुछ रहम नहीं किया, जहां प्रदेश में सुख का नया दौर वैट बढ़ाकर शुरू किया गया है। गौर हो कि वे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर यहां पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। बाढ़ के कारण काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी, जिला मंडी में, जिस तरह से मैंने देखा बहुत सारे स्थानों पर जहां कई वर्षों तक कभी पानी स्तर तक नहीं आया था वहां तक आया भी, और कई लोगों के मकानों को, दुकानों को, रास्तों को नुकसान हुआ है। और जहां एक और हमारा निवेदन है राज्य की सरकार से कि जल्द सहायता राशि उन लोगों को दें जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है या जिनके घरों को खतरा बना हुआ है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर लाश से ढह गए हैं या फिर ऐसा है कि उनकी रिटेनिंग वॉल है ही नहीं। अब कहीं पे कुछ खतरा होता है तो उनका पूरा का पूरा घर जा सकता है। ITI जैसे तरह धर्मपुर में बन रहा था तो उसमें भी पूरा रिटेनिंग वॉल ही निकल गई है, नीचे घरों को खतरा खड़ा हुआ है। दूसरा, केंद्र सरकार की ओर से अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता हिमाचल प्रदेश की मोदी सरकार ने की है। इसके अलावा 13 बटालियनें NDRF की लगातार यहाँ पे काम कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स के 2-2 हेलीकॉप्टर राज्य में लोगों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जितनी मदद केंद्र सरकार की ओर से चाहिए थी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लोगों के माध्यम से वो भी यहाँ पर आए हैं। जो मांगा वो देने का कार्य किया है। हम चाहते हैं कि राज्य की सरकार भी तेज गति के साथ लोगों के जो सड़कों का नुकसान हुआ उसको जल्द से जल्द ठीक करवाए और जिनके घरों का नुकसान हुआ उनको जल्द से जल्द सहायता राशि दे, क्योंकि केंद्र की ओर से पैसा हमने भेजा है। जब आपदा एक तरफ से आप देखें मौसम खराबी के कारण जो आपदा पूरे प्रदेश में आई तो उस पर भी सरकार ने कुछ रहम नहीं किया। ये सुख का नया दौर वैट बढ़ाकर है कि जनता के ऊपर पहले ही बोझ था, अब 3 रुपये अगर वैट में बढ़ जाते हैं तो उससे और नुकसान होता है। ये केवल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते, इससे पूरे महंगाई को बढ़ावा मिलता है। ये राज्य की सरकार के द्वारा उठाया गया एक गलत कदम है जिसको शीघ्र वापस लेना चाहिए। जनता के हित में ये जो वैट में बढ़ोतरी की है इसको वापस लिया जाए और आम जनता पर बोझ ना डाला जाए। एक और तो केंद्र की सरकार ने एक बार नहीं 2 बार टैक्सेस में कमी की कि देश भर के लोगों को राहत मिले, लेकिन जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहां पर लगातार वैट को बढ़ाया गया और आम जनता पर बोझ डाला गया। अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेंगे WPI, अगर आज तक का सबसे कम रहा तो आजकल चल रहा है। ये केंद्र की सरकार के प्रयासों के कारण हुआ, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट को बढ़ाकर, लोकल टैक्सेस को बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाला जाता है। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश है। जो जनता के साथ हो रहा है वो अन्याय है। पहले इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया, फिर लोगों को राहत नहीं दी गई। जो कोविड के समय लोग लगे थे, जिनको नौकरियां मिली थी, उनको भी, मेडिकल स्टाफ वालों को छुट्टी कर दी गई है। ये सरकार आने से लोगों के दुख बढ़े हैं, सुख का कोई नया दौर नहीं।